दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेटीएम में फिंगरप्रिंट लॉक फिंगरप्रिंट आईडी जो है ये कैसे लगाए। जी हाँ दोस्तों, ये लगाना बहुत ही जरूरी होता है आपके पेटीएम की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे बैंकिंग जो है बहुत ही ट्रांजेक्शन होता है, बैंकिंग डेटा रहता है, या कि कोई भी जो है आपका फोन लेने के बाद पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। या दोस्तों इसके लिए हमेशा जो है आप पेटीएम में फिंगरप्रिंट लॉक लगा कर रखिए। तो ये कैसे लगाना है आपके फोन में, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मेरे मोबाइल में लेके जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये लगाने के बाद क्या होगा, आपके अलावा कोई भी जो है आपका पेटीएम में एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन में लेके जाके दिखा रहे हैं कि आपके फोन में ये दोस्तों कैसे करोगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो लाइक का ऑप्शन है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है यहाँ पे दबा के ऑल ऑप्शन पे दबा देना, ताकि हमारा ऐसा कोई भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में नाइस वीडियो है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यहाँ पे थैंक्स दिख रहे हो, थैंक्स पे क्लिक करके सुपर थैंक्स बाय करके चैनल को सपोर्ट कर देना। तो चलिए आप लोगों को पेटीएम में लेके जाके दिखाते हैं कि आपका पेटीएम में दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक या कोई भी लॉक जो है वो आप कैसे एनेबल करोगे। इसके लिए दोस्तों पेटीएम ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते ही दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आते ही दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेते ही दोस्तों आपको यहाँ पे अलग अलग अकाउंट नंबर जो भी ऐड किया हुआ है दिख जाएगा। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आते ही दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा फिंगरप्रिंट आईडी, तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट आईडी पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको देख जाएगा बाई डिफॉल्ट जो है ये ऑफ रहता है, एनेबल फिंगरप्रिंट टू वेरीफाई पेमेंट्स फ्रॉम पेटीएम पेमेंट बैंक, यू विल ऑल्सो बी एबल टू एंटर पेटीएम पेमेंट बैंक यूजिंग फिंगरप्रिंट। मतलब ये बोल रहे हैं आप जब भी पेमेंट करोगे पेटीएम से, पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो आपको जो है पासकोड एंटर करने की, कोई भी पिन एंटर करने की जरूरत नहीं होगा। फिंगरप्रिंट डालने के साथ साथ ही दोस्तों आपका पेमेंट जो है हो जाएगा, कन्फर्मेशन आपको फिंगरप्रिंट से ही हो जाएगा। तो ये ऑन कर दीजिए। ऑन कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो आपका पासकोड है यहाँ पे डाल लेना है, तो पासकोड डाल लीजिए। फिर आपका फिंगरप्रिंट से एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए और देख सकते हो एनेबल फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट जो है दोस्तों ये ऑन हो गया। अब जब भी पेमेंट करोगे पेटीएम पेमेंट बैंक से या किसी मर्चेंट को या किसी को भी, तो आप जो है फिंगरप्रिंट ये वेरीफाई करने के साथ साथ ही दोस्तों आपका पेमेंट जो है हो जाएगा। और इसी तरीके को फॉलो करके आप जो है आपके पेटीएम पे दोस्तों फिंगरप्रिंट आईडी जो है आप एनेबल कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों के साथ ऐसा ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।